मतलब आप सब जानते ही होंगे, भड़वा साला जोकर बना के रखा है तेरे को, और काफी पागल हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी है इनके अंदर। लौड़ू साला शर्मिंदा कर देते हैं। हम शूट वूट पे जाते थे, 14 घंटे की शूट के बाद मैं घर आके लमलेट फोन उठाया, आलिया भट्ट का इंस्टा स्टोरी देखा, वहाँ भट्ट साहब जो हैं आलिया की बिल्ली के पीछे भाग रहे थे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े मच्छर की झाट गांडू मक्की चूत तेरी टक्टों के सौदागर। तो क्या हाल है आप सबके, आज मैं कैसे भोसड़ी वाले चाचा के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके बड़े चर्चे भी हैं और चूचे भी, जो अपनी गांड खुद देता है और दूसरों का मुंह में लेता है, जिसकी चाल नवाबी और गांडे गुलाबी। जी आप सही सोच रहे हो, मैं बात करने जा रहा हूँ चाचा चमनप्रास महेश भट्ट के बारे में। तो आओ यार बिना किसी देरी के कान में अपने अंदर डाल लो और शुरू करते हैं अपनी अखंड बकचोदी अपने प्यारे बकचोदों के साथ। टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधव चोदबा, टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधव चोदबा, टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधव चोदबा, टिकटॉक चलावे वाला पक्का माधव चोदबा। तो भैया ये भोसड़ी वाले चाचा भगवान से 2 या 2.5 मिनट ही छोटे होंगे बस, और इस बुढ़ापे में भी ये लौंडिया पटाते घुमा करते हैं। अबे ओ भोसड़ी वाले चाचा, जिस हरकत को अंजाम देने की तू ये सब नाकाम कोशिश कर रहा है, उस बाबा भोसड़ी वाले कसम खा के बोल रहा हूँ, अगर उस हरकत को इस उम्र में अंजाम देने गया तो तुम्हारी बाकी बची 2 मिनट की जिंदगी एक ऐसी जगह से निकलेगी जिसे मैं बता नहीं सकता। अरे भाई चुत पता नहीं ये कैसा जमाना आ गया, जहाँ पर घोड़ा मरता घोड़ी पे, महेश भट्ट मरता रिया जैसी लौड़ी पे। नहीं बहनचोद मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहलाता है, जाकर के आलिया से पूछो। पर बहनचोद आलिया भी दिन रात यही सोचकर रोया करती है कि मम्मी किसको बुलाऊं। चाचा ओ भोसड़ी वाले चाचा, चाचा चाचा हो गया बस, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या। ए भोसड़ी वाले चाचा कौन सी ये नाकाम कोशिश कर रहे हो, बहन चुत यहाँ जवान लंडों को नहीं मिल रही हरी घास और ये भोसड़ी वाला चाचा खा रहा है चमनप्रास। इस गांडू चाचा का एक पैर जमीन पर है और दूसरा कवर में लटका है, मगर फिर भी इस बूढ़ों के शिलाजीत का जोश चढ़ा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब बहनचोद हम लौंडे तो फर्जी में ही बदनाम है, असली मजे तो ये बुढ़ऊ ले रहे हैं। बहनचोद अगर ये करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर डीला। कुछ भी क्या बहनचोद, ये बुढ़ा तो इतना घटिया और लीचर टाइप का इंसान है कि ये अपने एक मैगजीन फोटोशूट के दौरान अपनी बेटी को किस कर लेता और इंटरव्यू में ये तक कह देता कि अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेता। इनके पिता महेश भट्ट ने ये तक कहा था कि अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी कर लेता। अरे बहनचोद ऐसे ठरकी बुढ़ो के ऊपर ही तो क्राइम पेट्रोल बायोपिक बनाता है और फिर तुम कहते हो कि क्राइम पेट्रोल माधरचोद है। अबे क्राइम पेट्रोल माधरचोद नहीं, लोग भोसड़ी वाले हैं। तो यार अब देखते हैं इस भोसड़ी वाले महेश भट्ट की अनसुनी कहानी। तो इस भोसड़ी वाले चाचा ने जब अपनी पहली शादी की तो उनकी पहली पत्नी का नाम लॉरेन ब्राइट था, पर सड़की बड़ों ने नाम बदलकर किरण भट्ट रख दिया। किरण भट्ट से उनके 2 बच्चे पैदा हुए, राहुल भट्ट और पूजा भट्ट। लेकिन बुड्ढा तो ठरकी था, बुड़ों का चक्कर प्रवीण भाभी से चलने लगा, तो ठरकी बड़ों ने पहली वाइफ किरण भट्ट को तलाक दे दिया और फिर ठरकी बड़ों ने प्रवीण भाभी से शादी कर लिया। लेकिन प्रवीण भाभी भी धीरे धीरे डिप्रेशन में चलेगी और फिर उसको बोला निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। पर बुड्ढा इतना ज्यादा घर की निकला कि फिर उसने एक मुसलमान से शादी कर ली जिसका नाम था सोनी रजदान, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, पहला कालिया भट्ट और साहिन भट्ट। फिर क्या भोसड़ी वाले चाचा ने सोनी रजदान को भी गांड में लात मारकर भगा दिया। भगवान। लेकिन फिर तो इस बुढ़ऊ ने हद ही कर दी, उसका चक्कर अपनी बेटी की उम्र जिया खान से चलने लगा। पर कुछ दिन बाद जिया खान ने सुसाइड कर ली, पर भैया बुढ़ऊ इतना ज्यादा घटिया निकला उसने रिया चक्रवर्ती से अपना चक्कर चला लिया। बहनचोद मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इस बुढ़ऊ के अंदर इतनी जवानी आती कहां से है, ये भोसड़ी वाला बुड्ढा कौन से वीआईपी इस उम्र से अपनी गांड मरवाता है, कौन है ये लोग कहां से आते हैं। तो भैया इस भोसड़ी वाले चाचा की इन हरकतों को देखने के बाद उसके लिए पेश है 2 लाइनें। न दिन होना चाहता हूँ न रात होना चाहता हूँ, न दिन होना चाहता हूँ न रात होना चाहता हूँ, महेश भट्ट की इन हरकतों को देखने के बाद उसकी गांड मारना चाहता हूँ। तो बस यार आज की बकचोदी को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन उसके साथ तो महेश भट्ट को पेलो या फिर महेश भट्ट की बेटी को, मुझे कुछ नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जाता हूँ पेलने।